नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। इन दिनों ईडी लगातार अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है। बड़े बड़े मंत्री से लेकर फिल्म जगत के लोग भी ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। लेकिन अब ईडी भारत के दिग्गज खिलाड़ी व पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शिकंजे में ले रही है। दरअसल MS धोनी जिस कंपनी में काम करते हैं, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की इंडिया सीमेंट पर परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने छापा मारा है। इन दिनों ईडी लगातार अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है। बड़े बड़े मंत्री से लेकर फिल्म जगत के लोग भी ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। लेकिन अब ईडी भारत के दिग्गज खिलाड़ी व पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शिकंजे में ले रही है। दरअसल MS धोनी जिस कंपनी में काम करते हैं, यानी चेन्नई के इंडिया सीमेंट्स पर परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने छापा मारा है। इंडियन सीमेंट्स कंपनी देश की बड़ी सीमेंट कंपनी में से एक है। राजस्व के लिहाज से देखा जाए तो ये नवी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। इस कंपनी के प्रबंधक निर्देशन और उपाध्यक्ष BCCI के पूर्व अध्यक्ष N श्रीनिवासन है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी की टीम श्रीनिवासन के ठिकानों को भी कवर करेगी और छानबीन करेगी। बता दें कि पिछले कई सालों से MS धोनी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। दरअसल इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड ही इंडियन प्रीमियर लीग में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक है। वहीं इंडियन सीमेंट लिमिटेड के मालिक N श्रीनिवासन है, जो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि ईडी की ये छापेमारी पेमा कानून यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसका संबंध विदेशी पैसे के लेन देन से है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि IPL 2024 से पहले ईडी की कार्रवाई का महेंद्र सिंह धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स टीम पर कोई असर पड़ेगा या नहीं।